पूरा मक्का ही पहाड़ों में बसा हुआ है। पीछे ये देखो कितना पुराना मकान है ये, और ये सामने देखो मक्का का लोक टावर आ गया। यहाँ पे पूरे मकान देखो चद्दर से बना रखे हैं, ऊपर चद्दर लगा के। ये पुराने मकान है, ये लोग काफी टाइम से रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे देखो माशाल्लाह फिर से बारिश लगा हुआ है, यहाँ पे 7 दिन हो गया रेगुलर बारिश लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ आज भी आपको एक और पहाड़ पे लेके चलता हूँ। पिछला जो वीडियो है आपने अगर नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने पहाड़ पे लेके गया, पूरे मक्के का व्यू दिखाया था और आधा मक्का दिख रहा था। तो आज मैं जा रहा हूँ दूसरे पहाड़ पे, जो उस पहाड़ के सामने की तरफ है, मक्का क्लॉक टावर के उस तरफ है, जिस तरफ मीना अरफात मुज़दलिफा पड़ता है उस साइड में पड़ता है, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर भी है उसी पहाड़ के नीचे ही जस्ट। और उस साइड में मक्का का सबसे पुराना कब्रिस्तान जन्नतुल माला भी उसी साइड में पड़ता है। तो मैं आपको उस पहाड़ पर लेके चलता हूँ। अभी देखो ये वाला रास्ता, इस रास्ते से चढ़ेंगे और पीछे की तरफ मक्का क्लॉक टावर है, आपको दिखाता हूँ मैं पीछे का। उम्रा वाला इसको थोड़ी पता। अच्छा आप उम्रा कभी लिया हो यहाँ पे? उम्रा कभी लिया हो यहाँ पे? हाँ फिर तो चलो कोई दिक्कत नहीं। ए इनको पता है? नहीं इनको पता होगा। सलाम चाचा। हाँ अरे फिर जबल तरीक। हाँ जबल जबल आना इधर। जबल फोक फोक जबल तरीक में है। आगे रोड नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे गाड़ी बह जाती है। ये देखो कितना पुराना मकान है, ये तो पुराने मकान है। ये ऊपर जो पहाड़ पे अभी कोई नहीं रहता, सब देखो खाली पड़ा। ये देखो ये और पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता है, वीडियो बना रहे कि ऊपर जाने का, चले ऊपर। और ये सामने देखो मक्का का लोक टावर आ गया। ये रोड है जिससे हम आए थे, अभी पहाड़ जो है इसके ऊपर की इस तरफ है, वो इस तरफ जाना पहाड़। इसको डर है कि कहीं बारिश हो गया गाड़ी भेज जाएगा, और वो इसका कहना भी सही है, बारिश होता बड़ा खतरनाक नाला आता है इधर से। मतलब कोई नहीं है इधर, कोई रह ही नहीं रहा अभी, कोई नहीं रह रहा अभी। अभी देखो हम ऊपर तो चढ़ गए, नीचे देखो कितना खतरनाक है। अभी सोचो अगर बारिश होता तो कितना खतरनाक ये रहता होगा पानी। वो देखो कितना नीचे है, यहाँ पे पूरे मकान देखो चद्दर से बना रखे हैं, ऊपर चद्दर लगा रखे हैं। अभी थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ओ माशाल्लाह गाड़ी उधर, ये जो सामने पिलर दिख रहा है वो गाड़ी का रास्ता उधर। हाँ तो ऊपर देख रहा हूँ इवान। तो इस रो हाँ चल, अभी धूप निकल गया, अभी बारिश नहीं होगा। मेन गाड़ी मेन तो मुश्किल तो है गाड़ी का।
देखो पहाड़ के ऊपर भी देखो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इतने ऊपर भी देखो माशाल्लाह। ये पुराने मकान हैं, ये लोग काफ़ी टाइम से रहते हैं। ये बर्मा के, बर्मा के जो पहाड़ पर रहते हैं ये बर्मा के। अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह, वो जो सामने वो दिख रहा होगा ऊपर, वो लास्ट में वो पहाड़ है उसका, लेकिन रास्ता उस तरफ है, हम इधर गलत आ गए। तो अभी यहाँ से पैदल आए हम, वापस गाड़ी उठाएंगे फिर उस तरफ जाएंगे। पहले यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। अगर हम उस तरफ जाएंगे तो वहाँ से हमको काबा दिखेगा, तो गाड़ी लेके जाएंगे और उस तरफ ही जाएंगे आज। और ये अकबर भाई हमारे राजस्थान के ड्राइवर, बड़े ख़तरनाक है भाई, ये डरते नहीं है कोई चीज़ से, किसी भी पहाड़ वहाड़ में ले आओ, डरना क्या बात है। जब मौत खुदा ने लिखा तो डरने की क्या बात है, मौत तो एक दिन आनी या नहीं है, तो इससे बेहतर है हिम्मत नहीं हारो कभी भी। कोई काम करना है सही बात से करो, आपका काम भी होएगा इंशाल्लाह, डरने की कोई बात नहीं। डरने वाला एक दिन आएगी, एक मौत वो लेके चले जाएगी। सही कह रहा, उधर रोड नहीं है ये वाला, आकर रोड है ऊपर की बता रहे हो, पहाड़ ऊपर की रस्त। लेकिन अभी हम जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे पहाड़ पे जाएंगे, आपको आज दिखाएंगे हम, पक्का दिखाएंगे आपको, पहाड़ से दिखाएंगे पूरा मक्का। अभी वापस जा रहे हैं गाड़ी पे, यहाँ से फिर से गाड़ी उठाएंगे फिर चलेंगे पहाड़ पे पूरा। देखो अभी यहाँ से गाड़ी घुमाने में बड़ा मुश्किल है क्योंकि रोड बहुत टेढ़ा है, कैमरे में इतना नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत खड़ा रोड है, ये सीधा रोड है ऐसे एकदम बिल्कुल खड़ा है, गाड़ी घुमाने पलटी खा सकते हैं यहाँ से। ये तो इनोवा है फिर भी देखो बच गया, और एक ये ड्राइवर भी हमारा अच्छा है इसलिए टिक गया, कोई और होता तो पलटी दिया मार देता इधर ही। सही बात है भैया, ड्राइवर ड्राइवर। अभी हम जा रहे हैं दूसरे पा, उधर ऊपर जाएंगे पहाड़ पे, अभी रास्ता ढूंढते हैं, ऊँचा है। भाई साहब ने बताया बोला उधर इधर से तुम गलत आ गए, अभी उधर से जाओ, फिर भी फायदा हुआ इधर से कम से कम, हम देख के तो आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं इधर, मैं भी फर्स्ट बार आया हूँ, कोई वीडियो बनाने के चक्कर में आए, नहीं तो हम कभी मक्के में रह के भी नहीं आ पाते इधर, तो ये बात तो है। हाँ नहीं, पीछे लेके फुल भगा के ले, गाड़ी रखते ना ये तो फुल फुल भगा के लेगा तो मुश्किल नहीं है, गाड़ी रखते नहीं, पानी है ना पानी, हाँ पानी भी फिर टायर गिर जाएगा, पीछे ले ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे से भगा के लेना चाहिए था तेरे को, गलत लिया इधर। एक यार ऑनेट चढ़ा रहा, बता वो बिल्डिंग चढ़ा दिया पहले, पानी है जिन्हें चढ़ा दिया, वो भगा के लेके आया, तू धीरे धीरे चढ़ाएगा तो कैसे चढ़ेगा बता, स्पीड से भगा, स्पीड से भगा के चढ़ा, दूर आ जैसे बोले वो दूर से ही स्पीड से भगा के लेके आ रहा है, भगा फुल भगा फुल भगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वही हवा निकल रही। तो यार दूर से लाना थोड़ा और पीछे जाना, पानी आ रहा है यार, तो वो पानी वो दे, वो कैसे चढ़ाया यार, यार तेरा तारीफ कर दिया मैं, बड़ा खतरनाक ड्राइवर, तो पानी चढ़ रही है, फेल हो रहा है यार, क्या फेल हो रहा है, पानी पीछे जा थोड़ा और पीछे जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह भाई वाह, कमाल है भाई, ड्राइवर है तू यार, वाह वही वो फुल पका है, धीरे मत चढ़ा यार, धीरे चलाएगा तो फेल हो जाएगा गाड़ी, ये कुछ बहुत नहीं होता, हाँ नहीं होता ये, फेल नहीं हो सकता। कौन सा गाड़ी है वो जो तेरे पास था पुराना, वो कुर्सीडा, कुर्सीडा दे, कुर्सीडा खड़ी है पीछे इतना पुराना, ये देखो माशाल्लाह
देखो अभी देखो कहाँ। तो सामने वो देखो वो पहाड़, वो जबल नूर है जिस पे कुरान नाजिल हुआ था, जिस पे कुरान उतरा था। और मक्के में देखो पहाड़ी पहाड़ है, आप जहाँ देखोगे पहाड़ी पहाड़ है, पूरा मक्का ही पहाड़ों में बसा हुआ है। अभी देखो पहाड़ पे ना वहाँ पर हरी हरी घास होने लग गई, पूरा एक हफ्ता हो गया रेगुलर बारिश हो रहा है, देखो थोड़ा हरा भरा होने लग गया। ايوه هذا مسجد ايوه بعده مسجد يمين اه ينزل ايوه بعدين يسار انت شوف ساعه اه ها ها ها. طيب شكرا يا ما شاء الله ये देखो यही चीज़ आज आप मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। और ये देखो माशाल्लाह सामने ही हरम शरीफ, और माशाल्लाह इसी पहाड़ के नीचे ही हमारे आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकान है, और मकान के पास में ही मक्के का सबसे पुराना कब्रिस्तान जन्नतुल माला है। और माशाल्लाह देखो मौसम में बड़ा ही प्यारा लग रहा है हरम शरीफ भी, और सामने देखो माशाल्लाह वो जो सामने मक्का क्लॉक टावर है और उसके पीछे वाला जो पहाड़ है उस पहाड़ का भी मैंने वीडियो बनाया था, उस साइड का भी वीडियो बनाया, उधर से भी मैंने हरम शरीफ दिखाया था। तो आप जाइए वो वीडियो भी देखिए। और अभी मौसम और ख़राब हो रहा है, मेरे को लगता है अभी हमको चलना चाहिए नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, हमको गाड़ी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज़ हो जाएगा तो इधर पहाड़ में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पानी बहता है उसके साथ में, हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते वहाँ से। अभी बारिश और भी तेज़ हो गया है तो अभी हमको जाना पड़ेगा क्योंकि आगे फिर पानी बहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे ऐसे हम वीडियो और भी लाते रहेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।